ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कार्यालय के बाहर जमावड़ा लगाया है और पोस्टरों के जरिए उन्हें 27 का सत्ताधीश बता रहे हैं। अगली तस्वीर आप पार्टी कार्यालय पर के बाहर लगे पोस्टर्स की देखिए कि किस तरह से 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बताया गया है। उनकी एक तस्वीर लगाई गई है और उसी के ऊपर लिखा हुआ है 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। ये पोस्टर जयराम पांडे ने लगवाया है, जो मेहंदा बेदावल विधानसभा संत कबीर नगर से आते हैं, उन्होंने ये पूरा पोस्टर लगवाया है। इसमें लिखी जो पंक्तियां हैं उनको अगर आप सियासी मायने निकालेंगे, 27 का सत्ताधीश यानी कि 24 में बरसा जनता का आशीष। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 37 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने 40 का आंकड़ा पार किया, उसके साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिसके चलते इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं समीकरण को भी साधा गया है कि 24 में बरसा जनता का आशीष और 27 का सत्ताधीश। 27 का सत्ताधीश मतलब यह है कि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सामने होंगे योगी आदित्यनाथ और एक तरफ होंगे अखिलेश यादव। जिस तरह से उपचुनाव को लेकर गठबंधन की यूनिटी दिख रही है, ऐसा लगता है विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के साथ ही लड़ा जाएगा, लेकिन उसको लेकर पूरी तरीके से पोस्टर के जरिए राजनीतिक तौर पर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बता रहे हैं। तमाम पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या माहौल यहाँ पर है। आज बर्थडे है यानी कि जन्मदिन है अखिलेश यादव का। फखरुल चांद हसन हमारे साथ मौजूद हैं। फखरुल जी, पोस्टर वोस्टर यहाँ लग गए हैं, 27 का सत्ताधीश आप लोगों ने बता ही दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को करोड़ों करोड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की तरफ से, पीडीए परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। 27 का सत्ताधीश, सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। तो आज पूरा देश, उत्तर प्रदेश की जनता, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रहा है। चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, किसान मजदूर हो, सब परिवर्तन चाहते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की उस जन विरोधी सरकार को हटा देना चाहते हैं जो रोजगार, किसान, मजदूर का वादा करके सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद उसने केवल झूठ बोलने का काम किया, धोखा देने का काम किया, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया, नफरत की। कुछ करेंगे जन्मदिन पर आज अखिलेश यादव? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी आज जन्मदिन बहुत सादगी से मनाते हैं, करोड़ों लोग उनका जन्मदिन दो बार मनाते हैं, तो आज उनका जन्मदिन है। हम हमेशा उनका जन्मदिन 23 अक्टूबर को ही मनाते हैं, तो हम उनको बधाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के करोड़ों करोड़ों पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं के तरफ से, और समाजवादी पार्टी इस उम्मीद के साथ कि 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में सत्ता। आप लोगों ने अभी से सत्ताधीश बना दिया उन्हें? देखिए, 27 की तैयारी पूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव नहीं करा पा रही, एक सीट से भाग रही है। ये इशारा काफी है कि जो परिवर्तन है वो होने वाला है। पहले पहले करोड़ों दिलों की, युवाओं को धड़कन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामना। आपने एक शब्द कहा कि आपने अभी से मुख्यमंत्री बना लिया, मान लिया, ये हमने नहीं माना है, उत्तर प्रदेश की जनता ने माना है। आप 24 का चुनाव देखा, लोकसभा का, जनता ने चुनाव लड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो केवल अपनी बात पहुँचाने का काम किया मीटिंगों में, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। विकास के नाम पे रोड देने जा रही है, बेरोजगारी के नाम पे रोड देने जा रही है, महंगाई के नाम पे 2027 में इनको क्या समझा जाए इस टैगलाइन को? ये 2027 में इंशाल्लाह सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, और सारे समाजवादियों की तरफ से बहुत बधाई। सबसे पहले युवाओं के दिलों की धड़कन, हम नौजवानों के लिए ऊर्जावान नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और जो आप कह रहे हैं 27 में सत्ताधीश की बात, एक गरीब नहीं कह रहे, पोस्टर कह रहे हैं, पोस्टर कह रहे हैं, एक गरीब जनता के दिल से निकला हुआ बात है। ये युवाओं के जो लाठी खाते हैं, छात्र जो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनके उनके दिलों की आवाज़ है 27 में अखिलेश जी कुछ आ रहे हैं। और जो लोग
जो मरीज बेड नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके दिलों की बात है। 27वें अखिलेश जी आ रहे हैं, तो कुल मिला के यही है कि 27वें अखिलेश जी को मुख्यमंत्री, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित मिल करके जो परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, पुलिसों से जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे जिस पे लादे जा रहे हैं, वो सब जो परेशान है, वो सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उठा। बताइए आप लोग कि बीजेपी तो कह रही है 27 में हम सरकार बना रहे हैं, आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं 27 की सत्ता। सबसे पहले करोड़ों दिलों की धड़कन पीडीए के जो नेता हैं, जननी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। मैं कानपुर से विनय यादव, ब्लॉक प्रमुख और विधानसभा का अध्यक्ष भी हूं। 27 में ये हमारे नेता ने एक ऐसा पीडीए का वृक्ष लगा दिया है जिसके सामने भाजपा के लोग खत्म हो गए। इसमें किसी का कोई वो नहीं है, मेरे नेता ने अकेले एक पीडीए का वृक्ष लगा दिया है। जो लोग भाजपा से परेशान है, भाजपा से सिर्फ वही परेशान है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कोई दूसरा आदमी नहीं परेशान है। और जो परेशान है उसके लिए मेरे नेता ने गठबंधन कर लिया पीडीए से, उसको लेकर के 27 का नहीं, ये जो गठबंधन तो है, सीटें कैसे तय हो पा रही है, कुछ फंस रही है सीटें, कोई सीट नहीं है। हमारे नेता ने कहा कोई सीट, जो लोग अंदर से चाहते हैं कि भाजपा को हराना है, वो हमारे नेता के साथ में है। इसका एग्जाम्पल अभी दूसरे जो प्रदेशों में हुआ, हमारे नेता के साथ या मेरी पार्टी के साथ में जो दूसरे प्रदेशों में हुआ, जो घमंड था, वो घमंड जनता ने दिखा दिया। उसी को लेकर के मेरे नेता, क्योंकि मेरे नेता इतने दिल वाले हैं, जिनके दरवाजे से कोई भी हो, इतना बड़ा दिल है, वो कभी भी कहो अपनी अच्छी अच्छी सीटें दे देते हैं। बन जाएगी बात उपचुनाव में, उपचुनाव में बात भी बनेगी, 9 की 9 सीटें जीतेंगे और 27 में 350 सीटें जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बताइए कि आज जन्मदिन है, क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? मैं वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हूँ, कानपुर देहात से हूँ, रनिया विधानसभा हमारी आती है। मैं तो राजनीति में पहली बार आया, पर मैं इसी दल से जुड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी से। इनके जैसा मुझको नेता ना मिला और ना मिलेगा। 27 सत्ताधीश लिखा है, बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा भविष्य है, किसी ने लिखा होगा तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व होगा। ये भाजपा ने बहुत विकास की गंगा बहाई थी और अयोध्या से इनका जो विकास शुरू हुआ था, और अयोध्या से ही अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के सांसद बने, तो इनका विकास का पोल खुल चुका है। और 24 में वर्षा जनता का आशीष, तो ये सत्य है। और 27 में सत्ताधीश प्रदेश की जनता ने स्वीकार कर लिया है कि माननीय अखिलेश, तो ये सब पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पीछे पोस्टर आपने देख ही लिया कि 27 के सत्ताधीश बताया गया है कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पदाधिकारियों ने। जंग बड़ी कठिन है, लेकिन उससे पहले एक सेमीफाइनल भी है, और वो सेमीफाइनल है उपचुनाव का, 9 सीटों का उपचुनाव, जिसमें रण की तैयारी है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच बातचीत अभी भी चल रही है, तो बीजेपी भी अपने पत्ते कभी भी खोल सकती है। इस बीच में अखिलेश यादव का जन्मदिन, हालांकि ऑन पेपर उनका जन्मदिन 1 जुलाई होता है, लेकिन जो असल जन्मदिन है वो आज यानी कि इस तारीख को है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और पोस्टर लगाकर स्वागत कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।